प्रधानमंत्री मोदी आज 10 घंटे की रेल यात्रा पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी गए। यूक्रेन नेशनल म्यूजियम में मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास ज़ेलेंस्की पैलेस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात। ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध में भारत का रुख कभी भी न्यूट्रल नहीं था, बल्कि हम हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। पीएम मोदी ने संघर्ष सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। पीएम मोदी ऐसे समय में यूक्रेन पहुंचे हैं जब पिछले ढाई साल से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में मददगार साबित हो सकती है। मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रह जाना। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता।